हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये देखिए, मैं ब्लाउज कटिंग कर ली हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ। देखिए किस तरह से प्लेट मैं कितना लेती हूँ, प्लेट का निशान देख लीजिए। इस तरह से बैक वाला पल्ला मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि कैमरा बनाने वाला कोई नहीं था, इसके लिए सॉरी। और ये देख लीजिए, साइड का और नीचे का थोड़ा ज़्यादा प्लेट लेना है, और ऊपर का और बगल का जो आगे वाला है इसको थोड़ा कम लेना है, और मतलब आधा इंच लगभग, और उसमें 1.25 इंच तक लेना है। देखिए किस तरह से कटोरी उभर आती है इस तरह से प्लेट बनाने से। और दोनों प्लेट मैंने बना लिया, दोनों में देखिए किस तरह से कटोरी हिगर गई है। और दोनों का नाप लीजिए, दोनों का सिधाना तीरा जो है सिधाने पर है कि नहीं है। और उसके बाद देखिए, इसमें मैं बेल्ट लगाऊंगी नीचे, जो ब्लाउज वाला कपड़ा है उसको ऊपर रखूंगी, और बीच में कपड़ा ब्लाउज का कपड़ा, और नीचे जो है अस्तर वाला कपड़ा। इस तरह से देखिए, नीचे अस्तर वाला, बीच में ब्लाउज का कपड़ा, ऊपर ब्लाउज है, ब्लाउज का कपड़ा है। इस तरह से देखिए, सिलाई करने से जो उसमें मतलब उचरा फुचरा कतरन वाला कपड़ा रहता है वो सिलाई के अंदर हो जाता है। इसको इंटरलॉक करने, देखिए किस तरह से कितनी सफाई से इंटरलॉक करने की, इसके पास कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से देखिए, दोनों ब्लाउज दोनों पल्ला मैंने अटैच कर दिया है। अभी इस तरह से उसके ऊपर एक बारीक सिलाई, एकदम किनारी पर बारीक सिलाई चलाएंगे। देखिए किस तरह से, देखिए मैं किधर की साइड से ला रही हूँ उसको भी देख लीजिएगा, नहीं तो कपड़ा में थोड़ा तनाव आ जाता है, खींचा खींचा सा आ जाता है। इसको देखिए किस तरह से मैं लाई हूँ, और जस्ट इसके एक दो पॉइंट छोड़कर इसके बगल में जस्ट आपको एक सिलाई चलाना है, और दो सिलाई चलाने से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। इस तरह से करिएगा, और सिलाई चलाने के बाद जो है देखिए इसको बराबर, अब इसमें जो जहाँ पे सिलाई वाला तागा है इसको काट देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर जो बचा हुआ कपड़ा है, एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे, और आगे वाला भी जो थोड़ा तिरछा मिर्छा है इसको भी निकाल देंगे। इस तरह देखिए, अब इसको हम दोनों ब्लाउज एक मतलब दोनों रख कर, दोनों काटने के बाद रख कर नापेंगे कि सबका सिधाने पर सबका निशान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इधर भी काट देंगे, देखिए अब इसको दोनों बराबर करके रखेंगे हम। और हमारे संतोषी टेलर में आपका स्वागत है, प्लीज़ आप लोग पूरा वाच कीजिएगा तभी समझ पाएंगे। और सभी लोग ये इस तरह से सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई से सिल लेंगे। देखिए ये मैंने काज की पट्टी, इसमें बटन लगाएंगे तो ये काज वाला पट्टी है। काज वाला पट्टी पहले ऊपर सिलाई चला दिए हैं, उसके बाद उसके ऊपर अस्तर के ऊपर चला दिए हैं। अब इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक लाइन और चला देंगे। आपका मन करे तो ये साइड में तुरपाई कर लीजिए, नहीं तो सिलाई कर दीजिए। मैं तो पक्की सिलाई चला देती हूँ सब में, और मजबूती रहती है। और देखिए इस तरह से दोनों तरफ कितनी सफाई से लग गया है। इसमें जो थोड़ा बहुत तागा इधर उधर लगा हुआ है इसको निकाल दीजिए आप, और थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए जो घटा बड़ी कपड़ा है। अब इसके ऊपर रखकर, ऊपर रखना है साइड में नहीं, इसके ऊपर रखकर नापिए ये सब बराबर में आ रहा है कि नहीं, जितना निशान है बेल्ट का और प्लेट का। तो मेरा तो परफेक्ट आ रहा है, और मैं पट्टी लगाऊंगी अब, बटन की पट्टी नीचे रखकर हमेशा लगाई जाती है। ये देख लीजिए इस तरह से नीचे रखकर लगाइए, बहुत ही बढ़िया बैठता है। अब इसको ऊपर की तरफ दो बार फोल्ड कर दीजिए, एक बार दो बार फोल्ड कर दीजिए आप लोग, और एक सिलाई बीच में चलाइए एकदम सिधाने पर लाते हुए, और जस्ट उसी को मोड़ लीजिए, एक सिलाई किनारे पर चलाना है, इस तरह से सिलाई चलाना है। तो इस तरह देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सफाई से बैठ जाता है। अब जो सिलाई हम दूसरा वाला पल्ला इसके ऊपर रख के देखेंगे, कोई कुछ घटा बढ़ी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह से फुचरा उचरा जो घटा बढ़ी है इसको काट के निकाल दीजिए। अब जो है बैक वाला पल्ला मैं पहले ही तैयार कर ली हूँ, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था। तो देखिए पहले मैं इसको मतलब बॉर्डर लगा ली हूँ, उसके बाद जो पीछे का प्लेट का निशान है इसके बाद सिलाई कर रही हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत सफाई से, बहुत बढ़िया चिपक जाता है वो। अब इसके ऊपर ये आगे वाला पल्ला रखकर सिलाई कर दूंगी ऊपर का, और एक सिलाई चलाऊंगी, एक सिलाई जस्ट उसके ऊपर एकदम किनारे पर, जितना फुचरा कपड़ा निकलेगा मैं निकाल दूंगी। ऊपर सिलाई चलाने के बाद जो फुचरा कपड़ा है उसको निकाल दीजिए, और यहाँ भी घटा बढ़ी देख लीजिए, और साइड में जो थोड़ा कपड़ा बढ़ रहा है इसको निकालेंगे नहीं, पीछे वाला पल्ला है इसको निकालेंगे नहीं, सब पूरा बराबर कर लीजिए। अब इसको नीचे फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद साइड में जो कपड़ा बचा है इसको फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि इंटरलॉक की व्यवस्था किसी के घर में नहीं होती, शहर किसी के घर में नहीं होती है। तो इंटरलॉक से बचने के लिए देखिए मैंने क्या उपाय बनाया है, साइड में मोड़ कर सिलाई कर लीजिए। उसके बाद दूसरा वाला भी इसी तरह अटैच करना है, जैसे वो वाला किए थे वैसे दूसरा वाला भी करना है। देखिए मैंने दोनों साइड का अटैच कर दिया है इस तरह से, और अब जो है अब सब पहले नीचे नहीं मोड़ना है, फोल्ड करना है।
अब पाइपिंग बनाएंगे हम, पाइपिंग की पट्टी जोड़ेंगे। जो ऊपर कपड़ा है जो सिलाई वाला है, इसको अंदर से मतलब अस्तर की तरफ से इसको सिलाई कर देना है एकदम किनारे, ताकि खुचरा और कपड़ा एक में चिपक जाए। इस तरह से देखिए कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट चिपक गया है। दोनों साइड आप सिलाई मार दीजिए। पीछे वाले पल्ले की तरफ फोल्ड करना है, पीछे वाले पल्ले में, और आगे वाले में नहीं, नहीं आगे वाले में आगे लटक जाता है। अब देखिए पाइपिंग की पट्टी है, 1.5 इंच की मैंने काट ली है। इसको ऐसे तिरछा तिरछा, एक तिरछा एक तिरछा, मतलब आड़ा बेड़ा इसको इसी तरह से अटैच करना है। तिरछा मिर्छा कपड़ा जो है निकाल दीजिए, थोड़ा आधा इंच बाहर निकाल के रखिएगा तो पीछे एक साइड बराबर हो जाता है। ये देखिए अब इसको जो है दोनों कपड़ा, दोनों सिलाई का दोनों इधर उधर करके बीच में नाखून मार देना है, ताकि दोनों तर ऊपर ना चढ़े, ऊपर नीचे ना चढ़े, किनारे पर जाए। अब आपको आगे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर लेना है नीचे एक साइड, पाइपिंग बनाते सब ये इस तरह से नीचे फोल्ड कर लिए हैं। अब उसके बाद इस तरह से सिलाई करना है। और माफ़ी चाहूँगी, कैमरा पकड़ने वाला थोड़ा छोटा है, बच्चा है, तो ठीक से वो पकड़ नहीं पा रहा है, थोड़ा इधर उधर कर दे रहा है, और स्टैंड से ठीक से बनता नहीं है कि करीब से दिखाने वाला, दूर से दिखाने वाला। तो देख लीजिए इस तरह से आप हल्के हाथों से खींचते हुए लाना है, और जहाँ जोड़ है उसको जोड़ वाला कपड़ा इधर उधर कर देना है, और ये जो किनारे पर जो थोड़ा सा कपड़ा हम काट के निकाल रहे हैं इसको ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद एक सिलाई चलाने के बाद अब पाइपिंग चलाना है आपको इस तरह से। ऐसे देखिए आगे का जो फोल्ड किए हैं उसके बाद दो बार फोल्ड करना है, एक बार उसके बाद दो बार। अब इसके किनारे पर ब्लाउज वाले कपड़े पर मशीन चलनी चाहिए, पाइपिंग वाली पट्टी पर नहीं। इस तरह से देखिए पाइपिंग वाली पट्टी पर मशीन नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ ब्लाउज वाले कपड़े पर चलना चाहिए। इस तरह से पाइपिंग आप बना डालिए पूरा, देखिए किस तरह से कितनी सफाई से सारा जितना ब्लाउज का कपड़ा है उसको सब पाइपिंग वाली पट्टी के अंदर करके मोड़ना है। देखिए इस तरह से सिलना है, और किस तरह मैं पकड़ी हूँ हाथ भी देख लीजिए, उंगली कहाँ है, अंगूठा कहाँ है, इसको सब ध्यान में देते हुए आपको पाइपिंग बनानी है। और हमारा संतोषी टेलर चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में भी कुछ पूछना हो, बताना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में भी पूछिए बताइए, और मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आपको कुछ पूछना है तो मैं तुरंत मतलब उसका जवाब दूँगी। ये देख लीजिए किस तरह से पाइपिंग मैंने बना लिया है। संतोषी टेलर पर आप सब लोग जाएंगे, संतोषी टेलर लिखने पर आता है, सर्च करने पर नहीं आता है, मतलब उस बोलने पर नहीं आएगा, लिखेंगे तब आ जाएगा। अब पाइपिंग बनाने के बाद आप नाप लीजिए ब्लाउज वाली पट्टी, जो नाप की पट्टी है इसको नाप लीजिए, उतना मोड़ दीजिए इस तरह से। ऐसे कच्चा, जिसको कच्चा करना है, यहाँ पे मैं तुरपाई करती हूँ, यहाँ आगे साइड तुरपाई करती हूँ नीचे इस तरह से। अब इसको काज वाली पट्टी ऊपर रखिए और बटन वाली नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे रखने के बाद अब जो कपड़ा बच रहा है एक्स्ट्रा इसको मोड़ दीजिए। ऐसे कच्चा करना है तुरपाई के लिए। अब ये तो परफेक्ट हो गया, अब जोड़ना है आस्तीन, ये तो एकदम कंप्लीट हो गया है। देखिए किस तरह से आगे पीछे सब बढ़िया सफाई से, अभी प्रेस नहीं हुआ है तो इसी लिए थोड़ा बहुत जो चुंगड़न दिखाई दे रहा है, अब प्रेस हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट पूरा बढ़िया चिकन बैठ जाता है। आगे का गला भी देख लीजिए और पीछे वाला भी वैसे ही से, पीछे वाले में भी पाइपिंग बनी है। अब मैं अस्तर और कपड़े को जोड़ूंगी, आस्तीन का कपड़ा है, इसको ऊपर नीचे करके एक सिलाई सिल लीजिए इस तरह से बराबर करके। ऐसे पूरी एक लाइन लंबी लंबी मार दीजिए, पूरा आधा इंच की दूरी पर इस तरह से। यह कटिंग में मैं जो बताती हूँ, आधा इंच सिलाई नीचे आधा ऊपर, तो यही है, आप लोग देख लीजिए। ऐसे पूरी सिलाई करना है। अब पूरा सिलने के बाद आप पीछे की तरफ फोल्ड करके अस्तर पर, ब्लाउज के कपड़े पर नहीं, अस्तर पर एक सिलाई चलानी है सफाई के लिए, थोड़ा इस तरह से दोनों बाही में मतलब सिलाई चला लेनी है। ऐसे ही पूरा मतलब पूरा सिलना है। सिलने के बाद एक सिलाई ऊपर, एक सिलाई आप ऊपर इस तरह से अस्तर की तरफ से सिलिए, ब्लाउज की तरफ एकदम सिलाई सफाई जाएगी। उधर से अगर ब्लाउज की तरफ से बाहीं की तरफ से सिलते आते हैं तो सीधा तरफ से तो थोड़ा कपड़ा जो है वो खींचता जाता है, और अस्तर की तरफ से सिलेंगे तो एकदम चिकनाई के साथ बैठ जाता है। देखिए अब इसमें मैं लेस लगाऊंगी, इसमें लेस जो लंबा था तो बैक साइड में मैंने कुछ काट के लगा दिया है, अब जो बचा है वो आस्तीन पर देखिए इस तरह से लगाना है।
ऐसे ही किनारे किनारे पर थोड़ा फोल्ड करना है। मैंने बहुत लोगों के ब्लाउज में देखा है जो किनारी पर लेस है उसको फोल्ड नहीं करते हैं कोई लोग, वैसे ही लगा देते हैं। तो आप लोग फोल्ड कीजिए, सफाई में थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये देख लीजिए, अब यहाँ से मुझे 4 इंच तैयार करना है। ये जो थोड़ा बहुत तिरछा मिर्छा कपड़ा है इसको निकाल देंगे। अब गहराई लेंगे, आधा इंच की गहराई, दोनों कपड़े को पकड़ कर आधा इंच की गहराई लेना है, आगे वाले पल्ले में गहराई देना है। अब उस अस्तर और कपड़ा अटैच करने के बाद अब ब्लाउज में नाप लीजिए। आप फिटिंग से दो इंच दूरी पर सिलाई कर दीजिए। ब्लाउज में नापने के बाद सिल लिए हैं। अब देखिए इस तरह से कैसे ब्लाउज का कपड़ा मतलब ऊपर रहना चाहिए और अस्तर जो बाही है वो उसको अंदर कर दीजिए। और इस तरह से देखिए, इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये ब्लाउज वाला कपड़ा देखिए ऊपर है मेरा और बाही वाला कपड़ा नीचे है। इस तरह से आपको अटैच करना है। जो बीच में कट किए हैं हम वो एकदम बीच के सिलाई के सिधाने पर आना चाहिए, बीच वाले सिलाई के यहाँ वहाँ पर कट किए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा इंच की दूरी पर आस्तीन जोड़ना है। जिस तरह मैं जोड़ी हूँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी तरह आपको जोड़ना है। सॉरी, बीच में कोई कस्टमर आ गए हैं, अपना ब्लाउज दिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ जल्दी की वजह से। तो देख लीजिए, और एक सिलाई जस्ट उसे एकदम किनारे चलाना है, एकदम किनारे जस्ट चलाना है, इंटरलॉक और पीको ना करना पड़े। तो जस्ट चलाने के बाद जो उचरा फुचरा कपड़ा रहता है उसको कट करके निकाल देना है, थोड़ा थोड़ा पूरा काटना है। और उसको मैं नहीं दिखा पाई हूँ, तो सॉरी। दोनों आस्तीन देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब फिटिंग वाला कपड़ा देखिए, अब मैं फिटिंग ले रही हूँ। फिटिंग पूरा नाप लीजिए टोटल कितना है। तो फिटिंग टोटल तो इनका वैसे चेस्ट 36.5 है, इसमें 44.45 आ रहा है, और कमर इनका जो है 31.5 है, तो इनमें टोटल दिखाई नहीं दे, टोटल 40 आ रहा है। तो 31.5 है, अरे 39.5 आ रहा है, 31.5 है, तो 8 इंच में नीचे नहीं 33 है और ये 36 है। हाँ तो ये देख लीजिए, हाँ फिटिंग इनका, क्योंकि ये वीडियो मैं 4-5 दिन बनाई हो गया ना, थोड़ा भूल गई हूँ, तो इसलिए कमर देखिए 33 तैयार है और 36 ऊपर तैयार है। तो इस तरह से मुझे देखिए करना है इसको, और जस्ट उसी के बगल में एक सिलाई मतलब पूरा नाप लीजिए। नापने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जितना बच रहा है उसी का चौथाई भाग में भाग दे दीजिए, जो उसका एक भाग आ रहा है उसी को आपको फिटिंग करना है। ये देख लीजिए इस तरह से आस्तीन इसकी 6.5 इंच है, इस तरह से लेना है ऐसे। हाँ मतलब पूरा नाप ली हूँ जो बचा है एक्स्ट्रा, उसके बाद में इसको फिटिंग कर दी हूँ। और मेरा ब्लाउज मतलब सिलने का अंदाज पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, संतोषी टेलर पर जाइएगा प्लीज़। और ऐसे ऐसे डिजाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन में डाली हूँ, उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बैक साइड ब्लाउज में डिजाइन भी डाली हूँ।